हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमी बेबी। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी बेबी की पोजीशन ब्रीच पोजीशन में है तो आप अपने बेबी को हेड डाउन पोजीशन में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे कमेंट्स करें। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं एक माँ हूं जिसके एक्सपीरियंस के थ्रू आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपको अपने बेबी को हेड डाउन पोजीशन करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको अपने डॉक्टर से भी ये टिप्स करने से पहले एक बार जरूर कंसल्ट करना है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है और आपके डॉक्टर्स आपकी प्रेगनेंसी को सबसे अच्छे से समझते हैं। पहले तो हम यह समझते हैं कि ब्रीच पोजीशन क्या होती है। ब्रीच पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें आपके बेबी का सर आपके पेट के ऊपर की तरफ रहता है और बेबी के पैर या फिर बटक्स या फिर दोनों ही आपके पेट के नीचे की तरफ होते हैं। अब हम जानते हैं ब्रीच पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्यों सही नहीं है। तो इसका यह कारण है कि जब आपका बेबी ब्रीच पोजीशन में होता है तो आपका बेबी आपके सर्विक्स पे इतना दबाव नहीं बना सकता, जिस वजह से आपके बेबी को आपके बर्थ कैनल तक जाने में परेशानी होती है, क्योंकि बेबी का सर ऊपर की तरफ होता है और बेबी का नीचे का हिस्सा आपके पेल्विक एरिया में रहता है, जिस वजह से आपके डॉक्टर्स भी आपको सी सेक्शन करने के लिए ही सजेस्ट करते हैं। गाइज, अगर आपका बेबी आपके प्रेगनेंसी के 37 वीक्स में भी अगर अपनी हेड डाउन पोजीशन नहीं करता, तब आप कुछ टिप्स की मदद करके अपने बेबी की पोजीशन को हेड डाउन पोजीशन में ला सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप कुछ भी टिप्स करते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए जानते हैं इन टिप्स के बारे में। आप डेली कुछ टाइम के लिए क्रॉलिंग पोजीशन में रहे, मतलब कि आपके दोनों हाथों और दोनों पैरों को जमीन में टिका के रखें। इससे भी आपके बेबी को हेड डाउन पोजीशन में आने में काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, आप इस पोजीशन को अपने कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से ही करें। जब तक आप कंफर्टेबल लेवल में रह सकते हैं इस पोजीशन में, आप तब तक ही इस पोजीशन में रहें, इसके बाद आप फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएं। दूसरी बात, आपको डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक करना जरूरी है। वॉक को आप अपने प्रेगनेंसी के डेली रूटीन में जरूर फॉलो करें। वॉक करने से आपके पेल्विस एरिया में मूवमेंट आती है, इसी के साथ साथ आपके मास एंड मसल्स की भी अच्छे से एक्सरसाइज होती है, जिससे भी आपके बेबी को मदद मिलती है हेड डाउन पोजीशन में आने के लिए। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि जब भी आप बैठते हैं तो आपको अपने नीज को अपने हिप्स से ऊपर करके नहीं बैठना। आप अपने पेल्विस को थोड़ा आगे की तरफ थोड़ा सा टेढ़ा करके बैठें, इससे भी आपके बेबी को हेड डाउन पोजीशन में आने में मदद मिलती है। गाइज, नेक्स्ट चीज है, आप एक्सरसाइज बॉल पर बैठकर या फिर एक्सरसाइज बॉल के सहारे आधे लेटकर भी टीवी देख सकते हैं, इससे भी आपके बेबी को हेड डाउन पोजीशन में आने में काफी मदद मिलती है। लेकिन आपको अपने कंफर्टेबल लेवल को ध्यान में रखकर ही ये एक्सरसाइज करनी है। इनके अलावा आप थोड़ा घर का काम भी करते रहें। बेसिकली माना जाता है कि अगर आप झाड़ू पोछा करते हैं तो इससे भी आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल होता है आपके 8वें और 9वें महीने में, क्योंकि तब तक आपका पेट काफ़ी भारी हो जाता है। लेकिन अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और अगर आप उकड़ू पोजिशन में बैठ कर काम कर सकते हैं, मतलब कि आपके पैर के पंजों के बल आप बैठ के काम कर सकते हैं, तो इससे भी आपके बेबी को हेड डाउन पोजिशन में आने में काफ़ी मदद मिलती है। इनके अलावा आप लाइट एक्सरसाइज करें, इजी एक्सरसाइज करें, जिनसे आपकी बॉडी अच्छे से एक्टिव रहेगी और आपके मसल्स में भी खिंचाव होगा। लेकिन कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने डॉक्टर्स की एडवाइस एक बार जरूर लें। सारी टिप्स करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान भी जरूर रखना है। गाइज, ये सारी चीजें आपको अपने प्रेगनेंसी के लास्ट महीने में ही करनी है। इसी के साथ आपको ये सारी टिप्स आपके कंफर्टेबल लेवल के हिसाब से ही करनी है और अपने डॉक्टर के एडवाइस लेने के बाद ही करनी है। अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है या फिर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इनको जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, इससे आपको और आपके बेबी को प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा आपको ये सारी टिप्स एक ही बार में नहीं करनी है, आपको बीच बीच में रेस्ट भी लेते रहना है और जैसे आपकी बॉडी कंफर्टेबल महसूस करे बिल्कुल वैसे ही करना है।
गाइज ये सब टिप्स के साथ साथ आप अपनी एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल को भी जरूर मेंटेन करें। तो गाइज आज आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे टिप्स जाने कि आप अपने बेबी को हेड डाउन पोजीशन में कैसे ला सकते हैं। आई होप आज आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमी बेबी। बाय बाय।